एक नोटबुक में मेकअप बैग, एक पेन में लिपस्टिक, एक सेब में आई शेडो, कक्षा में चुपके से मेकअप करने के अद्भुत तरीके। स्कूल में जब हम सभी तनाव प्रवण होते हैं, तनाव मेरी त्वचा को सूखी बना देता है। मैं अपनी क्रीम लेती हूँ और कक्षा के दौरान अपने हाथों पर फैलाती हूँ। मिस स्मिथ की चेतावनी, वह चोरी चुपके मेरी संपत्ति को हथियाना चाहती है। मेरे दोस्त को देखो, वह सीधे अपने हाथों पर सफेद गोंद डालती है। ऐसा लगता है कि वह मुझसे ज्यादा तनाव में है। एक साफ गोंद की बोतल में क्रीम निचोड़ें, शीश पर रखें और हो गया। मेरी दोस्त मुझे उसकी गोंद क्रीम देती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लेनी चाहिए। मिस स्मिथ के विपरीत लोगों की चिंता किए बिना वह क्रीम लगाती है। मिस स्मिथ, आप अपने शुष्क दिल को थोड़ा बेहतर मॉइस्चराइज कर सकते हैं। मेरी दोस्त कक्षा के दौरान उसके कपाल को सही करना चाहती है। यदि आप अस्त व्यस्त बोहे पहनते हैं, तो आपको निश्चित रूप से गणित के अध्ययन में समस्या होगी। मुझे परीक्षण के लिए मेकअप नोटबुक मिली है। हमें कागज की आवश्यकता होगी और कवर के कार्डबोर्ड विवरण की। पेपर पर दो कार्डबोर्ड कवर और कटक रखें। किनारे से थोड़ा बाहर काट लें। कोने से बाहर काटें। कार्डबोर्ड पर पेपर संलग्न करें। स्क्रैप बुक पेपर से कार्डबोर्ड के अंदर कवर करें। मूल आकार को चिन्हित करें, काटें और कवर से संलग्न करें। लंबाई के साथ आधे से रंगीन कागज के ढेर को मोड़ें, उसे काट लें। पन्नों को मोड़ें और सिलवट को सिलाई करें। कुछ ऐसे ही विवरण बनाएं। किनारे को सीधा करने के लिए पन्ने काटें। सिलाई के मध्य से रिबन पास करें। कटक में पन्नों को लगाने के लिए जगह को चिन्हित करें। दोनों छेद में सुआ डालें। छेद के मध्य से रिबन पास करें। दो गज बांधें। स्टिकर से नोटबुक को सजाएं। दर्पण को अंदर से थोड़ा गर्म गोंद लगाएं। रबर बैंड का एक छोटा सा टुकड़ा संलग्न करें। मेकअप आपूर्ति दस्ते के लिए बीच में गर्म गोंद लगाएं। मैं चिमटी को नोटबुक से बाहर ले जाती हूँ और इसे अपनी दोस्त को देती हूँ। वह दर्पण ले जाती है। तब मैं अपने नोटबुक को अपने दोस्त को देती हूँ। वह कक्षा के दौरान दर्पण को देखने में सक्षम हो जाएगी और हर कोई सोचता है कि वह अपने नोट्स पढ़ रही है। मिस स्मिथ चुटी लेती है। क्या वह शिक्षकों के कमरे को ब्यूटी सैलून में बदलने जा रही है? निश्चित रूप से। उसकी आज रात पी शिक्षक से मुलाकात होने वाली है, तो वह बोहे और ऊपरी होंठ के अवांछित बालों को हटा देती है। यह इतनी उबाव है कि मैं कक्षा के दौरान गलती से अपने आईलाइनर का चित्र बनाते कक्षा में ही सो गई। कोई बात नहीं, मैं सुधार कलम का उपयोग कर मुखौटे को ठीक करूंगी। उपयोग की हुई सुधार कलम ले। सुनिश्चित करें कि यह खाली और साफ है। आईलाइनर बोतल से बाहर वाइपर निकालें। सुधार पेन बैरल में मेकअप डालें। सुधार कलम के पुर्जे जोड़ें। इच्छा अनुसार चीजों को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। मैं अपना आईलाइनर लगाती हूँ और मेरी दोस्त को सुधार कलम प्रदान करती हूँ, लेकिन उसे खुद के नुस्खे मिल गए हैं। मैं अपना आईलाइनर मार्कर बाहर निकालती हूँ। मैं नहीं कहूँगी कि वे बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन अवांछित आईलाइनर नवीनतम फैशन प्रवृत्ति है। मिस स्मिथ के पास मार्कर है, हालांकि उन्होंने एक नीली स्टेशनरी मार्कर ली है। डोंट वरी, आप नीली आंखों वाले एल्फ की तरह दिखेंगे। मेरी दोस्त अपनी पेंसिल मिटाना चाहती है और मेरा इरेजर लेती है। उसे रोको, यह एक साधारण इरेजर नहीं है, यह एक मेकअप दस्ता है। इरेजर के मध्य से एक चौकोर काटें। इसे समतल बनाने के लिए कटआउट पर काम करें। टूटी हुई आई शेडो का पाउडर बनाएं। इसे इरेजर के छेद में स्थानांतरित करें। अल्कोहल रगड़ की कुछ बूंदे डालें। इसे नीचे की ओर दबाएं। आई शेडो को कवर करें। मैं अपने दोस्त को अपना गुप्त मेकअप दस्ता दिखाती हूँ। अचानक मिस स्मिथ छिप जाती है और आँखों की छाया उड़ाती है। मेकअप को हटाने के लिए हमें डेस्क साफ करना होगी। मिस स्मिथ स्कूल की छात्रा होने का सपना देख रही है। अपने सपने में वह अपने दोस्तों के लिए मेकअप खजाना लाती है।
हमें एक खाली साफ पेंट कंटेनर की आवश्यकता होगी। एक टूटे पैलेट से आई शेडो में रखें। उसे एक नोटपैड आकार की आई शेडो मिलती है। सफेद एक्रिलिक पेंट के साथ एक पुराने आई शेडो पैलेट के किनारे को कवर करें। दो कार्डबोर्ड सर्कल पाने के लिए प्लेट को दो बार ट्रेस करें, उन्हें काट लें। स्क्रैप बुक पेपर के साथ कवर करें। कागज के टुकड़े पर नोट्स लिखें। इसे शीर्ष पर संलग्न करें। गोले को गोंद से पैलेट पर चिपकाएं। सफेद किनारे पर पट्टी खींचने के लिए कलम का उपयोग करें। मिस स्मिथ डेस्क पर अपनी सभी DIY मेकअप रखती है और मुझे एक शानदार मार्कर आवेदक मिलता है। टिप को मार्कर से काट लें जो अब और नहीं लिखता है। अस्तर हटाएं, गर्म गोंद जोड़ें, एक आवेदक संलग्न करें, टोपी को निकालें और उसके ढक्कन पर आई शेडो लगाएं या सिरे पर। या क्या चल रहा है? ये पेपर बॉल कहाँ से आती है? मेरी मेकअप के बारे में क्या? ओह, यह सिर्फ एक सपना था। अरे तुम ये सब बंद करो। जबकि मेरी शिक्षक सपना देख रही है, मैं अपना विशेष सेब निकालती हूँ। इसे मत खाओ, यह भोजन के लिए नहीं है, मेकअप के लिए है। सेब के अंदर आई शेडो है। आधे से बड़ा सेब काट लें। छोटी आई शेडो कंटेनर को चिन्हित करें। छेद काट लें। दूसरे हिस्से में दोहराएं। हिस्सों को मजबूत करने के लिए सेब में टूथपिक्स चिपकाएं। अजीब मेकअप दस्ते के पुर्जे जोड़ें। मैं सीधे सेब से अपना आई शेडो लगाती हूँ। ये रहा मेरा प्राकृतिक मेकअप। मेरी दोस्त ने अपनी बहुत प्यारी कलम दिखाई। मैं उसे अपनी चमकदार टिप वाली दिखाती हूँ। कलम के छोर पर छोटी लिपस्टिक को गर्म गोंद से चिपकाएं। स्पष्ट गोंद के साथ इसे कवर करें। सुनहरी चमक छिड़कें। ग्लिटर को चिपकाने के लिए सिरे पर हेयर स्प्रे लगाएं। कलम के छोर को नष्ट करने के बजाय मैं अपने होंठ पर मेकअप कर पाऊंगी। मेरी दोस्त का अपना नुस्खा है। वह लिपस्टिक को गोंद की कलम में रखती है। प्लग को जगह पर रखते हुए कपड़े का डिस्पेंसर हटाएं। लिपस्टिक को आधे से काट लें। सिरे को रहने दें। छोर को पिघलाएं। पिघली हुई लिपस्टिक से प्लग करें। सिरे को जोड़ें। यह एक चालाक नुस्खा है। कोई भी अनुमान नहीं लगा पाएगा कि अंदर लिपस्टिक है। होठों की सजावट के लिए हमें कभी कभी होंठ ब्रश की आवश्यकता होती है। इसके लिए मेरे पास एक विशेष कलम है। कलम की नली से नोक बाहर निकालें। ब्रश के छोर पर गर्म गोंद रखें। इसे नोक के साथ जोड़ दें। रिफिल की जगह ब्रश रखें। मैं अपने पेन से लिपस्टिक लगा सकती हूँ या शायद ब्रश के साथ। किसी विशेष उपकरण के बिना मेकअप के उस्ताद अपना काम पूरा कर लेते हैं। मेरी दोस्त अपनी कलम लेती है लिखने के लिए, नहीं अपने होठों पर चमक लगाने के लिए। हमें लिप ग्लॉस और पेन की जरूरत होगी। ग्लॉस आवरण से एप्लीकेटर को निकाल लें। कलम सिरे पर डालें। लिप ग्लॉस पर ढक्कन लगाएं। वह मुझसे पूछती है कि ग्लॉस उस पर जच रहा है। उसके रूप के मुताबिक बहुत हल्का है। मेरी दोस्त अपना ग्लॉस हटाना चाहती है और पोंछने के कपड़े को लेने उठती है। नहीं, ये कोई कपड़ा नहीं है, यह गुप्त कॉम्पैक्ट पाउडर है। एक सूखा पोंछा पैकेट से निकालें, उसे कॉम्पैक्ट पाउडर में डुबोएं। एक स्पंज की तरह कपड़े को मोड़ें और पैकेट में वापस रखें। मैंने उसे बताया कि मेरे पोंछे में क्या है। यदि तुम अपने चेहरे पर मेकअप लगाना चाहती हो तो मेरा कपड़ा लो। उसके हल्के ग्लॉस की जगह मैंने मेरी दोस्त को सुधार लिक्विड बॉटल में ब्राइट लिपस्टिक दी। नेल पॉलिश रिमूवर का उपयोग कर सूखे सुधार तरल पदार्थ की बोतल साफ करें। स्पॉट वाइप करें। एक तरल लिपस्टिक पात्र से वाइपर निकालें। इसे सुधार तरल पदार्थ की बोतल में डालें। आवेदक काट लें। सुधार तरल ब्रश के बजाय गर्म गोंद लगाएं। मेरी दोस्त लिपस्टिक लगाती है, यह ज्यादा बेहतर है। हम अपना मेकअप करने में कामयाब रहे ताकि शिक्षक इसे नहीं देख पाए। लेकिन यह पलट गया। हम अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकले थे। मिस स्मिथ अपने हाथों में कपड़ा पकड़े हुए है। यह सख्त स्कूल सुरक्षा हमें सुंदर दिखने नहीं देगी। उन्होंने हमारा सारा मेकअप मिटा दिया। मिस स्मिथ कुछ सौंदर्य नुस्खे भी जानती है। वह शिक्षकों के कमरे में नाखून फाइलर चोरी छुपे लाती है। फाइल से फाइलिंग कोट हटाएं। एक नोटबुक की कटक फिट करने के लिए अतिरिक्त को काटें। कटक से इसे संलग्न करें। मिस स्मिथ को हमारा मेकअप मिल जाता है। क्या उपहार है। वह आज रात सबसे खूबसूरत होने के लिए अपना मेकअप करती है।
अद्भुत हरी आई शेडो उन पर अच्छी लगती है। तैयार हो जाएं, पीई अध्यापक, रंभा आ रही है। अच्छा और क्या, नाखून पॉलिश की चेन का प्रयोग करें। हवा से सूखी क्ले में नेल पॉलिश की एक बोतल लपेटें। गाजर का आकार दें। सिरे को निकालने के लिए एक गोल काटें। गाजर की नकल करने के लिए उथले दाग बनाएं। एक हरी क्ले की डिस्क बनाएं। किनारे पर कन्नी काटें। गाजर को हरा डंठल लगाएं। विवरण को जोड़ने के लिए इसे केंद्र में दबाएं। शीर्ष में खुली अंगूठी रखें। कुंजी अंगूठी में से कीचेन को निकालें। चिमटे के साथ जोड़ें। कीचेन को मजबूत होने दें। मिस स्मिथ नेल पॉलिश लगाने के लिए गाजर खोलती है, लेकिन उन्हें नीला रंग पसंद नहीं आता। नहीं, यह काफी है, वह तैयार हैं। क्या उसे वास्तव में इस उबाऊ पीई शिक्षक की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, वह इतनी सुंदर दिखती है कि आसानी से मिस यूनिवर्स क्राउन जीत जाएगी। सभी पुरुष उसके आगे पीछे दुम हिला रहे होंगे। क्या आपको मिस स्मिथ की नई छवि पसंद आई? और हमारे नुस्खे के बारे में क्या? अपनी टिप्पणियों में लिखें कि आप कक्षा में अपने मेकअप को छिपाने के लिए किस नुस्खे का प्रयोग करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बटन दबाएं और घंटी पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो मिल सकें।